साफ आ रहा ना। हाँ छठ पर्व को लेकर आज मौजूद है हमारे साथ जो सिकंदर यादव मौजूद है, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, गाजियाबाद से। आप बात करेंगे छठ पर्व को लेकर, किस किस प्रकार छठ पर्व छठ जो पूजा है की जाती है उसको लेकर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी धन्यवाद आप सभी को, सभी दर्शकों को और सारे भारत के सभी निवासियों को, व्रतधारियों को छठ के इस पावन अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामना है। और क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों का और विभिन्न त्योहारों का, विभिन्न संस्कृतियों का एक पावन संगम है, तो इस तरह के पर्व हमारी संस्कृति में एकता का सूत्र लेके आते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि नदियों में हमारी माताएं बहनें जो व्रत को धारण करती हैं वो खड़ी रहती हैं इतनी सर्दी के बीच में, और जो हमारे व्रती लोग हैं वो सब इस पावन अवसर को मिल बांट कर खुशियों के साथ मनाते हैं। छठ मैं बात करूं छठ पर्व को लेकर, छठ पर्व ये किसी विधान किस विधि विधान से छठ पर्व को मनाया जाता है, इतनी थोड़ी जानकारी हमें दर्शकों को देना चाहिए। देखिए छठ का जो इतिहास है बहुत प्राचीन इतिहास है। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें दो पात्र हमारे ऐसे हैं, पितामह भीष्म और कर्ण, दोनों के दोनों गंगा मैया को, गंगा मैया में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। तो ये उसी अर्घ्य की प्रथा मुझे लगता है वहीं से शुरू हुई है। और इस पर ऐसा संकल्प जो हमारी व्रतधारी माताएँ हैं वो करती हैं कि उनके पतियों की, उनके बच्चों की, उनके परिवार की रक्षा हो, दीर्घायु हो, भारत की विविधताओं की और त्योहारों का जो विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों का संगम आपको देखने को मिलता है। इसमें NCR या कहीं भी आप किसी भी शहर में आज सड़कों पर चले जाइए तो बड़ी भारी संख्या में हमारा पूर्वांचल का समाज इस पावन व्रत को, उपवास को मनाता है, और उस अवसर पर सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। जिस प्रकार छठ पर्व जो है आपके बराबर हिंडन घाट भी है, वहाँ पर आज तमाम मेला लगा हुआ, लोगों की भीड़ है लगातार, इसमें कोरोना को देखते हुए जो कोरोना का है, जो कोरोना काल चल रहा है उसको देखते हुए भी लग रहा है आपको कि क्या कोविड नियमों का पालन किया जाएगा? देखिए नियमों का पालन तो दीपावली पे भी नहीं हुआ, और अच्छी बात यह है कि हम लोग लगभग दूसरी लहर से निकल चुके हैं और इस समय बहुत कम केस हमारे देश में एक्टिव हैं दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले। और ऐसी कामना हम लोग करेंगे इस पावन अवसर पर ये बीमारी, जो वैश्विक बीमारी पूरी दुनिया को जिसने अपनी चपेट में लिया है, वो जल्दी यहाँ से विदा हो जाए और हम पहले की तरह अपने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें। अब तमाम आगामी जो त्यौहार, जो पूर्व में त्यौहार निकल गए, अब और आगे भी जो आने वाले त्यौहार हैं जैसे आज छठ है, उसको लेकर क्या संदेश रहेगा देशवासी को? देखिए छठ को लेकर सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हमने जो हमारी वर्तमान में सरकार है केंद्र में प्रदेश में, उन लोगों ने एक लोगों से कहा था कि हम माँ गंगा को साफ करेंगे, नदियों को साफ करेंगे। हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने यहाँ तक कहा था कि यमुना में क्रूज चलाएं, लेकिन आज आप हालत देखिए अमोनिया की और मीथेन की इतनी बुरी हालत है, और उस झाग वाले पानी में हमारी माताओं को खड़े होने पड़ रहा है, हमारे व्रतधारियों को वहाँ खड़े होना पड़ रहा है, उससे तमाम तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। उस पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा भी जिंदा नहीं रह सकता जिसमें रह के उनको व्रत करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। उन्होंने जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं कर पाए, और उसका नुकसान आज हमारे समाज को, पूर्वांचल के समाज को, व्रतधारियों को उठाना पड़ रहा है। इतने गंदे पानी के अंदर खड़े होने तो दूर की बात है कि वहाँ उसकी दुर्गंध को सहन करना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये आस्था और विश्वास का हमारे, क्योंकि देश में प्राचीन परंपरा रही है कि इतने प्रदूषण के बाद, इतने पॉल्यूशन के बाद भी वो अपने संकल्प पर दृढ़ हैं और इस व्रत का पालन कर रहे हैं। सिकंदर जी मैं बात करूं कोविड वैक्सीन को लेकर, जो अभी जो भारत प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अभी तक चलाया था कि एक करोड़ वैक्सीनेशन का जो कार्य उन्होंने पूरा किया, उसको लेकर तमाम बधाइयों के पोस्टर बैनर उन्होंने लगाए थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इसको, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें इसको कुछ जश्न के रूप में नहीं देखना चाहिए। 100 करोड़ वैक्सीन लग गई अच्छी बात है, लेकिन 100 करोड़ में सेकेंड डोज कितनों को लगी है ये हमें देखना चाहिए। और हम इतनी बड़ी नुकसान से हम लोग निकल के आए हैं, मुझे लगता है सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान ब्राज़ील और भारत में हुआ है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। तो जब हमारा देश इस संकट से निकल के आए, इतनी परेशानी से हम आगे आए, तो हमको उसको जश्न में ना मनाकर उल्टा उत्साह लोगों को बढ़ाना चाहिए कि भाई आप वैक्सीन लगवाइए और अपने नियमों का पालन करिए, और इसको मैं जश्न मनाने की कोई वस्तु या कोई चीज़ के रूप में नहीं देखता। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने जो घोषणा की थी अभी पर्व की छुट्टी को लेकर, छठ पर्व की छुट्टी को लेकर, क्या लगता है उसमें आपको, क्या पूर्वांचल समाज को एक तरफा झुकाने का कार्य किया सरकार ने, या फिर आना कोई सरकार के कोई मंशा थी इसको लेकर? देखिए छुट्टी देने का जहाँ तक सवाल है, इसके दो वो हैं, दो उसमें आपको परीक्षा में देखना पड़ेगा। छुट्टी देना अच्छी बात है कि आदमी इतना बड़ा उपवास, इतना बड़ा त्यौहार उन लोगों का है, उनको छुट्टी मिलती है तो वो अपने इसको पूरी तरह से पालन कर पाते हैं। लेकिन छुट्टी के अर्थ दूसरे भी हैं कि पिछले 1.5 साल से स्कूलों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे घरों में ही हैं और बहुत कम बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। सरकारों को अगर छुट्टी करनी है तो पहले से इसकी घोषणा करनी चाहिए। और बहुत बड़ा पर्व है उत्तर भारत का, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपने छुट्टी करी है, ये अच्छी बात है। लेकिन उसको छुट्टी से ज़्यादा अगर नदियों में साफ पानी छोड़ दिया जाता है, या प्रदूषण को दूर कर दिया जाता है, या उनको आधारभूत सुविधाएं दे दी जाती, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा। प्रदूषण को लेकर आपने जो कहा है, प्रदूषण में अभी लगातार दिवाली में बम पटाखे तमाम लोगों ने छोड़ दिया, उसमें लोगों की बड़ी लापरवाही भी नजर आई, उसमें शासन प्रशासन भी काफी अलर्ट रहा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण स्तर इतना बढ़ रहा है, सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का दोहरा रवैया है। आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि दिल्ली में पटाखे या NCR में या उत्तर भारत में पटाखे ना चले। लेकिन हमने देखा कि हमारे, जैसे हम NCR में रह रहे हैं, गाजियाबाद में रह रहे हैं, तो प्रशासन ने कहीं भी ऐसी कोशिश नहीं करी कि पटाखों को 8 से 10 के बीच जलवाया जाए, या कहीं रोका जाए, या प्रदूषण को कम किया जाए। उल्टा उनकी तरफ से ऐसा प्रयास रहा जैसे ये थे सामान्य गतिविधि, और उससे उन्हें ये समझना चाहिए सरकारों को कि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अपने लिए नहीं है, सारे देश के लिए, नागरिकों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं आपको बताऊँ, भारत में जो दूतावास हैं, जो एम्बेसीज हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिलियों को पिछले 4-5 सालों से दिल्ली से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि वो अपने बच्चों को पोल्यूशन के वातावरण में नहीं रखना चाहते। उनके यहाँ जो AQI है, वो 50 से ऊपर जाते ही वो लोग अलर्ट हो जाते। तो हमारे यहाँ इसको अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, और हमारे जो क्षेत्र की जनता है, जो नौजवान है, जो लोग हैं, मैं उनसे यही करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय का ये जो फैसला है, ये आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद है। उससे किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा। पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो हमारी जनरेशन को, छोटे बच्चों को अस्थमा की, एलर्जी की तमाम बीमारियां देके जा रहा है, तो उससे बचना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि ये इसको धर्म से ना जोड़ के, धार्मिक उत्सव मनाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, खाली पटाखों को उससे नहीं जोड़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ स्वास्थ्य को नुकसान करती हो, लोगों को नुकसान करती हो, उससे लोगों को बचना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो पहल उठानी चाहिए, वो भारत के नागरिक को, युवाओं को और सभी लोगों को करनी चाहिए। प्रदूषण का छटके पर क्या असर पड़ेगा, उसको लेकर क्या? देखिए, प्रदूषण का तो असर ऑलरेडी पड़ गया है। अब आप देखिए, अभी आप हिंडन नदी से आए, क्या हालत है वहाँ पर। तो हमारे जो शासन प्रशासन के जो हमारे लोग बैठे हैं, वो सिर्फ एक औपचारिकता निभा देंगे, 2 दिन पहले चूना डलवा दी, झाड़ू लगवा दी, थोड़ी बल्ली लगवा दी, और थोड़ा बहुत पानी, जैसा वो कह रहे हैं कि गंगा का पानी इसमें छुड़वा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये महापर्व है, अगर हम इस महापर्व की भावना है कि हमारी नदियाँ स्वच्छ रहें, हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं और साफ सफाई रख रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, तो इसको पूरे समय, पूरे सालों इसको हमें पालन करना चाहिए। नदियों में साफ जल रहे, प्रदूषण ना रहे, तो हमारी आने वाला जो भविष्य है वो उज्ज्वल होगा। चलिए, धन्यवाद। खैर, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी सिकंदर यादव। इनका खास तौर पर कहना है कि जो छठ पर्व मनाया जा रहा है, उसको लेकर प्रदूषण पर जो असर पड़ा है, प्रदूषण का जो असर पड़ा है, उसको लेकर साथ और लोगों को नियमित बरतनी चाहिए। मैं सुनील गौतम, लोकमंच न्यूज, गाजीबाद।